संस्कृत भाषा और साहित्य में हम लोगों को किन किन ग्रंथों का अध्ययन करना है, इनसे आप सभी परिचित हो ही चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग संस्कृत भाषा और साहित्य का प्रथम टॉपिक जो है संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, भाषा का उद्भव और विकास भारतीय यूरोपीय से मध्य भारतीय आर्य भाषाओं तक सामान्य रूपरेखा के रूप में अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा का उद्भव विकास, इसको हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब हम लोग इसकी रूपरेखा देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संसार की जो सब उपलब्ध भाषाएं हैं उसमें संस्कृत जो है प्राचीनतम है। इस भाषा में जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है और संस्कृति, उसका बहुत बड़ा भंडार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इस भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में रचनाएं होती रही हैं, साहित्य भी लिखा जाता रहा है और लिखा जा रहा है। जिन दिनों लिखने के साधन विकसित नहीं थे, उन दिनों भी इस भाषा की रचनाएं मौखिक परंपरा से चल रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का जो उद्भव है, संस्कृत भाषा का उद्भव ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि संस्कृत तो था ही, इसका कोई उद्भव हुआ ही नहीं, सृष्टि के आरंभ से ही संस्कृत भाषा ही थी। आप लोगों को पता ही है कि संस्कृत का प्रारंभ, संस्कृत भाषा का प्रारंभ हम लोग वेदों से मानते हैं। तो वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत है। तो जब वेदों की भाषा संस्कृत है तो संस्कृत तो स्टार्टिंग से ही चली आ रही है। तो ये संस्कृत जो भाषा है, इसका उद्गम तो हमें पता ही चल गया कि ये वेदों से है इसका उद्गम। फिर इसका विकास, संस्कृत आगे किस तरह से विकसित हुई, इस क्रम को हम लोग आज समझेंगे। संस्कृत भाषा जब हम लोगों को आरंभ में मिली, उसके बाद हमें और कौन कौन सी भाषाएं उसके पश्चात समाज में देखने को मिली, तो उसके अंतर्गत हमारा यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय यूरोपीय से मध्य भारतीय, भारतीय यूरोपीय से मध्य भारतीय, इतना हम लोगों को पाठ्यक्रम में अध्ययन करना है। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार भारतीय आर्य भाषा जो संस्कृत है, ये किस प्रकार इसका विकास हमें देखने को मिलता है। इसके लिए हम एक छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि भारतीय यूरोपीय से मध्य आर्य भाषाओं तक संस्कृत का विकास किस प्रकार से हुआ। तो हम एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर भारतीय आर्य भाषा, इसको सर्वप्रथम तीन भागों में विभाजित किया गया, प्राचीन कालीन आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा था आधुनिक आर्य भाषा। तो सर्वप्रथम हमें जो भारतीय आर्य भाषा का जो विकास देखने को मिलता है, उसमें हमें इसके तीन रूप प्राप्त होते हैं, प्राचीन कालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। अब प्राचीन कालीन आर्य भाषा क्या है, इसके अंतर्गत हमें इसके दो रूप मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं वैदिक संस्कृत और दूसरा हमको देखने को मिलता है लौकिक संस्कृत। ये दोनों ही नाम आप लोगों के
सुने हुए होंगे, बल्कि आप लोगों ने इनका अध्ययन भी किया होगा। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो पाठ्यक्रम है उनके अंतर्गत हमें इन वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। तो जो प्राचीन कालीन आर्य भाषा के जो दो रूप हमको देखने को मिले वो था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से सामान्य तात्पर्य हमारा है जो वेदों में प्रयुक्त होती है संस्कृत भाषा, वो क्या है? वैदिक संस्कृत। वेदों में जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग हमको दिखाई देता है वह क्या है? वैदिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत क्या है? जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं, जो आजकल हम लोग संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर वैदिक कालीन के बाद, वेदों के काल के बाद जो संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए हैं वो आपके लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा के तीन विभाग किए गए। उन तीन विभागों में प्रथम विभाग में प्राचीन कालीन आर्य भाषा आती है, जिसके अंतर्गत हमारा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आता है। और अब आगे देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। जैसा कि हमारा इसमें था, हमारा जो टॉपिक है इसमें दिया हुआ है कि हमें अध्ययन करना है भारतीय यूरोपीय से आर्य भाषाओं तक। तो भारतीय यूरोपीय से आर्य भाषाओं तक का जो अध्ययन है वो हमको इसके अंतर्गत देखना है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन से भाषाएं थी, कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। मध्यकालीन के आर्य भाषा के अंतर्गत है आपका प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत, और दूसरा आता है द्वितीय प्राकृत, और तीसरा है तृतीय प्राकृत। मूल में ये प्राकृतिक ही है, प्राकृत भाषा ही है ये। मध्यकालीन आर्य भाषा जो है वो प्राकृत के रूप में दिखाई पड़ी हमें। उसके भी तीन विभाग कर दिए इन्होंने, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। क्योंकि उस समय जो मध्यकाल के समय में भाषाएं समाज में प्रचलित थी, उनमें जिस तरह से लोग भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे उनके कारण भी प्राकृत के, प्राकृत भाषा को बोलने में भी अलग अलग लोगों में उच्चारण दिखाई देता था। एक वर्ग प्रथम प्राकृत का प्रयोग कर रहा था, दूसरा वर्ग द्वितीय प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रहा था, तो वहीं तीसरा वर्ग क्या कर रहा था? तृतीय प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रहा था। अब इसको यहाँ पर और समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है कि भारतीय यूरोपीय से मध्य आर्य भाषाओं तक संस्कृत भाषा का कैसे उद्गम हुआ, इसकी हमको रूपरेखा देखनी है कि कौन कौन सी भाषाएं इस समय प्रचलित थी समाज में और कैसे उनका प्रयोग किया जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग देखें अभी तक कि प्राचीन कालीन जो मध्य आर्य भाषा थी उसके दो हम लोगों को रूप देखने मिले, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन के हमको मिले प्राकृत के रूप में, मध्यकालीन आर्य भाषा हमको मिली जिसके तीन रूप हैं। तो प्रथम प्राकृत में आगे देखते हैं हम लोग कि प्रथम प्राकृत में कौन सी भाषाएं, प्रथम प्राकृत के अंतर्गत आती है पाली भाषा, क्योंकि गौतम बुद्ध के द्वारा बुद्ध के जो बुद्ध धर्म के जो दर्शन है, जो बुद्ध धर्म का ग्रंथ है, उनके द्वारा ये पाली भाषा बोली जाती थी, उनमें ये प्रयोग की जाती थी। और दूसरी इसके अंतर्गत थी शिलालेखी। प्रथम प्राकृत में एक पाली भाषा को समावेश किया गया और दूसरा है शिलालेखी।
कहते हैं कि अशोक के, सम्राट अशोक के कुछ शिलालेख मिलते हैं जिनकी भाषा क्या है, प्राकृत भाषा है, इसलिए इसको शिलालेखी भी इसका एक विभाग किया है। सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिलते हैं उनमें प्राकृत भाषा के हमें उदाहरण मिलते हैं। तो सम्राट अशोक की शिलालेखी भाषा वह प्राकृत भाषा है, और पाली भाषा जो बुद्ध बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं या बुद्धों के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है वो क्या है, पाली भाषा के अंतर्गत है। अगली है द्वितीय प्राकृत भाषा। द्वितीय प्राकृत भाषा में हमारी कौन सी भाषाएं हैं?